तो नीट का रिजल्ट आना था 14 जून को और ये रूल रिलीज करे 4 जून को भी जब आपका लोकसभा का रिजल्ट आना था। तो ये आपका 10 दिन पहले क्यों नीट का रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में है। और जो ये वेरिएशन आ रहा ना नीट के रिजल्ट के बाद, जो ये मार्क्स का वेरिएशन आ रहा और ये जो रैंक का वेरिएशन, ये हिस्ट्री में देखा जाए तो सच में पहली बार हुआ है। कहते हैं कि पेपर आसान था, मैं मानता हूं कि पेपर आसान था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि आपके 720 में 69 स्टूडेंट भरे पड़े हैं। ठीक है, सबसे आसान पेपर था किसका, नीट 2020 का आसान पेपर था, उसमें आपके दो टॉपर थे। अगर मान लिया कि ये भी आसान था आपका, नीट 2023 का भी मान लो उससे भी बहुत आसान था ये, तब भी आपके इतना टॉपर्स कैसे आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप सोचो, जितने भी कोचिंग से सब बता रहे थे कि हमारे इतने टॉपर आए, हमारे इतने टॉपर आए, तो सबका अगर आप मिला लोगे तो मिला जुला के पूरे से पूरे आपके 10 से 15 टॉपर बन रहे थे। तो ये 69 टॉपर रातों रात कहां पैदा हो गए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये एनटीए पे आ रहा। ठीक है, खुद बड़ा स्कैम ये भी सुनने में आ रहा कि एक ही सेंटर पे 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 मार्क्स आ रहा, क्योंकि उनका जो रोल नंबर है वो लगभग एक ही, मतलब 100-150 रोल नंबर का अंतर है। और आप लोग जानते होंगे कि 400-500 बच्चों का एक सेंटर बनता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि कैसे एक ही सेंटर के 6-7 बच्चे 720 में 720 मार्क ला सकते हैं। ऐसा तो हिस्ट्री में पहले हमने कभी नहीं सुना और ना ही हुआ कि 720 में 720 7-8 स्टूडेंट एक ही सेंटर के ला रहे हैं। ठीक है, माना कि उसमें होंगे कुछ पढ़ने वाले ना, नीट 2023 का कट ऑफ उसमें 620 पे लगभग 18-20-22,000 रैंक था। इस बार वही 620 पे लगभग 92-93,000 रैंक। जस्ट इमेजिन कि लगभग 4-5 गुना रैंक कैसे इंक्रीज कर सकता है। ये सब क्वेश्चन जो है एक बच्चे के दिमाग में चल रहे हैं। और जो बच्चा सोचो इतने डेडिकेशन से 3-4 साल अपने मेहनत से लगन से पढ़ाई करके 640-635 लाया है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा इस बार। सोच, वीडियो सुनने को मिल रहे, रिकॉर्डिंग सुनने को मिल रहे कि इतने पैसे ले लो हमसे, हम आपका पेपर करवा देंगे, इतने पैसे दे रहे हैं पेपर करवा देंगे। सोचो यार कि आप किसी एक गरीब या मिडिल क्लास बच्चे के फ्यूचर से खेल रहे हो, तो क्या आपको फ्यूचर में सक्सेस मिलेगा इस फील्ड में? कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये जो अजीबो गरीब चीज है, मैं देखा हूं फर्स्ट टाइम कि दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 718-719 मार्क्स आ रहे। भाई ये किस डाटा से आपने दे दिया? ग्रेसिंग मार्क क्या होता है? ये नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है ना, आप ना कि आपका थियोरेटिकल एग्जाम है कि चलो बच्चा पास नहीं हो रहा तो एक मार्क्स दे दे रहे हैं। और सोचो आपको कैसे पता चल रहा कि ये वो बच्चा है जिसका टाइम मैनेजमेंट कम हो गया? 25 लाख स्टूडेंट लगभग नीट का एग्जाम दिए थे, तो ये आपको कैसे पता चल गया कि यही दो स्टूडेंट है जिसने जिसका मार्क्स कम आया है, जिसका टाइम कम मिला? ये सब क्वेश्चन जो है ना बच्चे के माइंड में दौड़ रहे हैं। ठीक है, कि 718-719 मार्क्स कैसे दे सकते हैं, किस बिहाफ पे आप दे सकते हैं? ठीक है, और एक रिजल्ट सुनने में आ रहा कि 1.54 रैंक। What is this? 1.54 रैंक क्या होता है? आज तक कभी हिस्ट्री, मतलब ये क्या है कि मतलब आधी सीट आप किसी बच्चे को देंगे क्या? ऐसा कभी होता है कि 1.54 रैंक आ रहा किसी बच्चे का? सच बताऊं तो दिल दहलाने वाली चीजें हैं, क्योंकि सोचो यार बच्चा एक साल कंटिन्यू 16-17 घंटा अपनी जवानी उम्र, जिसमें और बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, वो अपना डेडिकेशन से पूरा एकदम समर्पण किया है अपनी जिंदगी को कि हम नीट निकाल लेंगे तो हमारी फैमिली बेटर कंडीशन में हो जाएगी, हम फ्यूचर में अच्छा कर सकेंगे, अपने देश के लिए अच्छा करेंगे अपने, और यहां पर इतना बड़ा स्कैम हो रहा। सोचो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, सोचो जस्ट इमेजिन ये पल को। और एक क्वेश्चन आ रहा बच्चों का, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया ओमआर में मैंने मैच किया, कुछ मार्क्स आ रहे और जो मार्क्स रिजल्ट आया मेरा वो बहुत अलग ही आ रहा, मतलब टोटली डिफरेंट है, कुछ उसमें मार्क्स था इसमें अलग ही मार्क्स आ रहा। तो ऐसा थोड़ी होता है, ओमआर में 10-20 नंबर का डिफरेंस आता है, वो बोल रहे मेरे 50-60 नंबर का वेरिएशन आ रहा। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये सब क्लियरिफिकेशन आप बच्चों को दो, शांत रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों का भविष्य लगा हुआ है। आप 625, 20, 30, 40, 45 तक आ रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा यार आप आशा मत छोड़ो जिंदगी में, होप मत अपना हारो। और अभी जो है अभी आप क्या करो कि टैग करो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर जो बनाते हैं इस चीज के रिलेटेड कंटेंट, आप टैग करो, क्योंकि आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो फिर ऐसे ही होगा, स्कैम होते रहेगा और आपके साथ फ्यूचर के साथ खेला जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी आवाज उठाओ। और उसके बाद में मैं ये कहूंगा कि इतने बड़े बड़े कदम मत उठाओ, जो ये सुसाइड वाला केस सुनने में आ रहा कि एक बच्चे ने सुसाइड कर ली। जिंदगी में एक ही चीज कुछ नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर ये नहीं है तो हो सकता है ऊपर वाला आपके लिए और कुछ बेस्ट लिखा हो और आप बेस्ट ट्राई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा ना समझिए अपने आप को कि बस मेरे लिए नीट ही था, नहीं हुआ तो मैं अब खत्म कर लूंगा अपना जिंदगी। हो सकता है आप फ्यूचर में कुछ और करके बेस्ट पा सकें, रेस्पेक्ट पा सकें, पैसा अच्छा कमा सकें, हर एक चीज अपने देश के लिए आप बेस्ट कर सकें। तो जिंदगी से मोहब्बत करो और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि किस लगन से वो आपको पाल पोस के 20-22 साल का कर दिए इतना बड़ा। और अगर वो सुन लेंगे कि उनका जवान बेटा या जवान बेटी ऐसी घटना हो गई उसके साथ, ऐसा कर लिया उसने सुसाइड वगैरह, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। आप अपने माँ बाप के बारे में सोचो,
इतना इस बार मालूम कट ऑफ 655 के करीब जा रहा, तो जो 150 वाले बच्चे को भी कॉलेज नहीं अलॉट हो रहा। सोचो कितनी एक दर्दनाक, एक बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाली बात है। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ ना, मैं जानता हूँ, मैंने 3 साल प्रिपरेशन करा है, 16-17 घंटे डेली मेहनत करने के बाद ही जाके नीट निकला है, 650 में मेरे मार्क्स आए थे नीट 2022 में। तो ऐसे ही जो बच्चे 650 640 वाले हैं, ऐसे सबकी कंडीशन होती है, कितने वो अपने दिन में जिंदगी में स्ट्रगल किए हैं, मेहनत किए हैं। एक लड़की बता रही है कि उसके अम्मी जो है वो फिनाइल का मतलब फिनाइल दुकान दुकान पे सप्लाई करती हैं, पापा कुछ फार्मिंग का काम करते हैं, और उसका वही उम्मीद था, उनके घर में पढ़ा रहे थे, 3-4 ड्रॉप हो गया था कि डॉक्टर हो जाएगी तो फ्यूचर हमारा बेस्ट हो जाएगा। और ऐसे केसेस सुनने को आ रहे हैं, इतना हाई रैंक आ गया तो सोचो क्या बीत रही होगी। एक हमारे जानने वाला था, उसकी स्टोरी ऐसी है कि उसके 646 तक मार्क्स आ रहे थे, उसने उसकी स्टोरी ऐसी है कि वो दिन में पढ़ाई करता था, शाम में जाके गार्ड की नौकरी करता था। तो सोचो आप ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अपना पूरा कैरियर, अपनी पूरी जिंदगी मेहनत इसमें लगा दी कि हम नीट निकाल लेंगे, एक अगर सीट आ जाएगी हमारी तो फ्यूचर में हम अच्छा अपना फैमिली स्टेटस कर सकते हैं, अच्छे रैंक पे हो सकते हैं। और ऐसे ऐसे केस आ जा रहे हैं सुनने में कि इतना लंबा फ्रॉड हो रहा है, इतना रैंक इन्फ्लेमेशन, मतलब नीट 2023 में जिस रैंक पे कॉलेज मिल रहा था 620 पे अगर 20-22 हज़ार रैंक लाई कर रहा था, इस बार डायरेक्ट 90 हज़ार, 4 गुना डिफरेंस कैसे आ सकता है। ऐसे ही 700 बच्चे, 700 मार्क्स प्लस 2000 बच्चे, ये हवा में पैदा तो नहीं होते हैं। इतना भी इस आसान पेपर नहीं था कि सब कर लेंगे आसान। अगर मान लिया कि ये टैलेंटेड बच्चे हैं तो इन्हें एक जगह बैठा के आप पूरा पेपर सॉल्व करवा लो इनसे, और अगर जो बच्चे निकाल ले उन्हीं को दे दो क्रेडिट। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में दौड़ रही हैं। बच्चों से यही कहूंगा मैं कि आप टैग करो जो इन्फ्लुएंसर हैं, ताकि आपकी आवाज पहुंच सके लोगों तक, और सिस्टम इस पे थोड़ा एक्शन ले ताकि चीजें रिजॉल्व हो या रीनीट भी हो, क्योंकि दिक्कत